गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। बच्चों आप इंग्लिश पढ़ोगे ना टीचर के साथ, तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ोगे बच्चों? आज हम कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। इसके पहले आपने स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़े हो ना, ए फॉर एप्पल टू एल फॉर लायन तक, तो आज हम स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, एम फॉर मंकी एंड एन फॉर नेस्ट। ओके, तो चलो देखो ब्लैक बोर्ड। टुडेस डेट 22/11/2021। आज की डेट क्या है? 22/11/2021। टुडेस डे मंडे। आज कौन सा डे है? आज मंडे है। क्लास KG1, सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, आपने इसके पहले स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़े हो ना, स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़े हो ना। इसके पहले कितने अल्फाबेट्स पढ़े बच्चों? ए फॉर एप्पल टू एल फॉर लायन तक आपने अल्फाबेट्स पढ़े हो, है ना। तो चलो देखो, एक बार रीडिंग करो टीचर के साथ। आपको राइटिंग करना आता है ना, तो अभी आपको टीचर के साथ रीडिंग करना है। बोलो, ए ए फॉर एप्पल, बी बी फॉर बॉल, सी सी फॉर कैट, डी डी फॉर डॉग, ई ई फॉर एलिफेंट, एफ एफ फॉर फिश, जी जी फॉर ग्रेप्स, एच एच फॉर हॉर्स, आई आई फॉर आइसक्रीम, J J for joker, K K for kite, L L for lion। तो आपने राइटिंग की हो ना बच्चों, A for apple to L for lion तक। तो अभी आपको क्या राइटिंग करना है? स्मॉल अल्फाबेट राइटिंग करना है, M for monkey and N for nest। ओके, देखो आपको पता है ना स्मॉल अल्फाबेट कौन सी कॉपी में राइटिंग करना पड़ता है? फोर लाइन्स की कॉपी में राइटिंग करना पड़ता है ना। और स्मॉल अल्फाबेट्स कितने लाइंस में राइटिंग करना पड़ता है? टू लाइंस में, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में राइटिंग करना पड़ता है ना स्मॉल अल्फाबेट्स। तो एमएन आपको न्यू कॉपी में, दिवाली के बाद का होमवर्क आपको पूरा न्यू कॉपी में राइटिंग करना है। ओके, दिवाली का होमवर्क आपको, उसके लिए आपको न्यू कॉपी बनानी है। इंग्लिश के लिए आपको फोर लाइन्स की न्यू कॉपी बनानी है दिवाली के बाद का होमवर्क करने के लिए। ओके, क्या राइटिंग करना है? एम फॉर मंकी एंड एन फॉर नेस्ट। ओके, तो उसके लिए आपको दिवाली के बाद के होमवर्क के लिए आपको फोर लाइन की कॉपी बनाना है, न्यू कॉपी बनानी है, न्यू कॉपी में आपको राइटिंग करना है। ओके, तो चलो अभी हम राइटिंग करेंगे। कौन सा विच अल्फाबेट इज दिस बच्चों? एम एम फॉर मंकी राइटिंग करेंगे। तो चलो राइटिंग करो एम फॉर मंकी। आपको पता है ना स्मॉल अल्फाबेट टू लाइन्स में राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको टू लाइन्स में स्मॉल अल्फाबेट राइटिंग करना है। ओके, तो चलो राइटिंग करो। देखो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में आपको राइटिंग करना है। फर्स्ट देखो, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर आपको वही स्टैंडिंग लाइन ऊपर ले जाना है सेकंड लाइन तक, यहाँ पे कर्व करना है, थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर से आपको स्टैंडिंग लाइन ऊपर सेकंड लाइन पे ले जाना है, फिर से कर्व करना है, नीचे आपको थर्ड लाइन पे जॉइन करना है, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको स्मॉल अल्फाबेट एम एम फॉर मंकी आपको यहाँ पे राइटिंग करना है। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए ना, टीचर आपको फिर से एम फॉर मंकी राइटिंग कराएंगे। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? एम फॉर मंकी सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर वही स्टैंडिंग लाइन आपको सेकंड लाइन तक ड्रॉ करना है, या फिर कर्व करना है, थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर से आपको सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पे कर्व करके नीचे आपको थर्ड लाइन तक एम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, और स्मॉल अल्फाबेट एम फॉर मंकी आपको यहाँ पे राइटिंग करना है। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए ना राइटिंग, टीचर आपको फिर से राइटिंग कराएंगे। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? फर्स्ट लाइन से, सॉरी सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर वही स्टैंडिंग लाइन आपको सेकंड लाइन तक ड्रॉ करनी है, यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है, फिर थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर से सेकंड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, सेकंड लाइन पे कर्व ड्रॉ करना है, और फिर आपको यहाँ पे थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसी आपको एम फॉर मंकी राइटिंग करना बच्चों प्रॉपरली। तो आपको अच्छे से आना चाहिए ना बच्चों, तो टीचर आपको फिर से एक बार एम फॉर मंकी राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों एम फॉर मंकी? सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर से आपको सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन लेके जाना है, ऊपर कर्व करना है, थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर से आपको सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर कर्व ड्रॉ करना है, नीचे आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है थर्ड लाइन तक। ऐसे ही आपको प्रॉपरली टू लाइन्स में एम फॉर मंकी राइटिंग करना है। ओके, एम फॉर मंकी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों? स्मॉल अल्फाबेट एन फॉर नेस्ट आता है, तो यहाँ पे आपको एन फॉर नेस्ट की राइटिंग करना है। तो आपको पता है ना स्मॉल अल्फाबेट टू लाइन्स में राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्मॉल अल्फाबेट राइटिंग करना एन फॉर नेस्ट। कैसे राइटिंग करो बच्चों? सेकंड लाइन से आपको, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर वही स्टैंडिंग लाइन आपको सेकंड लाइन तक लेना लेके जाना है, फिर यहाँ पे आपको सेकंड लाइन पे कर्व करना है, थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है।
ऐसे ही आपको एंड फॉर नेक्स्ट ड्रॉ राइटिंग करना है, आपको अच्छे से राइटिंग करना आना चाहिए ना। टीचर आपको फिर से यहाँ पे एंड फॉर नेक्स्ट राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करोगे बच्चों? सेकेंड लाइन से आपको थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर वही स्टैंडिंग लाइन आपको सेकेंड लाइन तक ड्रॉ करना है, सेकेंड लाइन पे आपको वर्ड ड्रॉ करना है, और फिर थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको सेकेंड और थर्ड लाइन में टू लाइन में आपको एंड फॉर नेक्स्ट राइटिंग करना है। तो चलो बच्चों फिर से हम राइटिंग करेंगे एंड फॉर नेक्स्ट। कैसे राइटिंग करोगे? सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक आपको कर्व ड्रॉ करना है, और यहाँ पे आपको थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको एंड फॉर नेक्स्ट राइटिंग करना। तो चलो फिर से राइटिंग करेंगे। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, स्टैंडिंग लाइन फिर सेकेंड लाइन तक ले जाना है, सेकेंड लाइन पे कर्व करना है, और फिर थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको एंड फॉर नेक्स्ट राइटिंग करना है प्रॉपरली। एंड फॉर मंकी प्रॉपरली टू लाइन्स में राइटिंग करना है, एंड फॉर नेक्स्ट प्रॉपरली आपको टू लाइन्स में राइटिंग करना है। टीचर ने प्रॉपरली टू लाइन्स में राइटिंग किए ना बच्चों एंड फॉर नेक्स्ट और एंड फॉर मंकी, तो वैसे ही आपको प्रॉपरली एंड फॉर नेक्स्ट टू लाइन्स में राइटिंग करना है। टू लाइन्स के बाहर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको दिवाली के बाद के होमवर्क के लिए न्यू कॉपी बनानी है, न्यू फोर लाइन्स की कॉपी बनानी है। इंग्लिश का होमवर्क पता है ना फोर लाइन्स की कॉपी में करते हो, तो आपको दिवाली के होमवर्क के लिए, दिवाली के बाद के होमवर्क के लिए आपको न्यू कॉपी बनानी है फोर लाइन्स की। उसमें आपको न्यू होमवर्क स्टार्ट करना है एम फॉर मंकी और एम फॉर नेस्ट। ओके, ऐसे ही आपको प्रॉपरली राइटिंग करना है टू लाइन्स की, टू लाइन्स में प्रॉपरली राइटिंग करना है। टू लाइन्स के बाहर राइटिंग करोगे क्या? नहीं। तो प्रॉपरली आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है। कौन सा अल्फाबेट? स्मॉल अल्फाबेट एम फॉर मंकी एंड एम फॉर नेस्ट। ओके, तो चलो यहाँ पे आपको इसे राइटिंग करना है। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स आपको पता है ना इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपको अल्फाबेट्स भी दिए हैं और इसमें पिक्चर्स भी दिए, तो चलो अभी हम अल्फाबेट्स देखेंगे पिक्चर के साथ। ओके, देखो बच्चों पेज नंबर 1414 निकालना है। पेज नंबर 1414 पे कौन सा अल्फाबेट है? स्मॉल अल्फाबेट एम, एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो भी होता है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंगो की पिक्चर दिख रही है ना, एम फॉर मैंगो होता है। देखो यहाँ पे मैंगो की पिक्चर दिख रही है, आपने मैंगो खाए हो ना बच्चों? मैंगो बहुत मीठा होता है खाने में, है ना, एम फॉर मैंगो होता है। ओके, एम फॉर मून होता है, एम फॉर मून आपने देखे हो ना बच्चों? मून, मून को क्या बोलते हैं? मून को हिंदी में चंदा मामा बोलते हैं, आपको पता है ना, एम फॉर मून होता है। ओके, एम फॉर मैट होता है बच्चों, एम फॉर मैट देखो यहाँ पे मैट की पिक्चर दिख रही है ना, आपके घर पे होंगी ना मैट, एम फॉर मैट भी होता है। ओके, ये देखो ये स्मॉल अल्फाबेट है, एम, एम फॉर मैंगो होता है, एम फॉर मैंगो होता है, एम फॉर मून होता है, एम फॉर मैट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों पेज नंबर 1515 निकालना है। यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट एन, एन फॉर नेस्ट होता है। देखो यहाँ पे नेस्ट की पिक्चर दिख रही है ना, एन फॉर नेस्ट होता है, यहाँ पिक्चर में नेस्ट दिख रही है, ये किसकी पिक्चर है? ये नेस्ट की पिक्चर है। ओके, एन फॉर नेट भी होता है, नेट देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, नेट की पिक्चर, ये एन फॉर नेट भी होता है। ओके, देखो एन फॉर नीब भी होती है, आपको पता है पेन आपने देखे हो क्या, इंक पेन, उसकी जो नीब होती है वो ऐसे ही दिखती है जैसे पिक्चर में दिख रही है, तो एन फॉर नीब भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों राइटिंग बुक, आपको पता है ना इसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स दिए हैं, इसमें आपको क्या करना है? ट्रेसिंग करना है और राइटिंग करना है। ओके, तो चलो अभी हम ट्रेसिंग करेंगे अल्फाबेट्स। पेज नंबर 3131 निकालना है बच्चों आपको। ओके, पेज नंबर 3131 पे स्मॉल अल्फाबेट है एम, एम फॉर मंकी। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लास वर्क की सेटिंग करना है आपको। ओके, यहाँ पे कलर द पिक्चर दिखाई, यहाँ पे किसकी पिक्चर दिखाई है बच्चों? मैट की पिक्चर, एम फॉर मैट होता है ना, होता है ना, आपने देखे हो ना पिक्चर में, तो यहाँ पे आपको ये मैट को क्या करना है? कलरिंग करना है। ओके, ये देखो ये क्या है? ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको एम फॉर मंकी ट्रेस करना है। ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको एम फॉर मंकी राइटिंग करना है। ओके, तो चलो अभी टीचर आपको एम फॉर मंकी ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते बच्चों? प्रॉपरली आपको टू लाइन्स में यहाँ पे एम फॉर मंकी राइटिंग किया ना, तो आपको ट्रेस करना है प्रॉपरली। देखो सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन पे आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर स्टैंडिंग लाइन आपको सेकेंड लाइन तक ड्रॉ करना है, फिर से आपको यहाँ पे कर्व करना है, और सेकेंड लाइन थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर से आपको सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, कर्व करना है, और नीचे थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, और ऐसे ही आपको एम फॉर मंकी राइटिंग करना है। देखो बच्चों यहाँ पे प्रॉपरली पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, ट्रेस करना है। ओके, चलो अभी टीचर आपको नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे राइटिंग करके दिखाएंगे। क्या राइटिंग करेंगे बच्चों? एम, एम फॉर मंकी, स्मॉल अल्फाबेट राइटिंग करेंगे ना,
तो चलो राइटिंग करो, कैसे राइटिंग करते हैं? स्मॉल अल्फाबेट्स, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर से स्टैंडिंग लाइन आपको सेकेंड लाइन तक ड्रॉ करना है, या फिर कर्व ड्रॉ करना है, थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर से आपको सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करना है और थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको एम फॉर मंकी राइटिंग करना है बच्चों। एम फॉर मंकी यहाँ पे ऊपर ट्रेस करना है, ट्रेसिंग पार्ट पे पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे आपको राइटिंग करना है, पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, और पूरा क्लास वर्क भी आपको कंप्लीट करना है, और नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है, डर्टी वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 3333 आपको निकालना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है, कौन सा अल्फाबेट है, एन, एन फॉर नेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ना, कलर द पिक्चर, ये आपको पिक्चर क्या, किसकी पिक्चर है बच्चों, नोज, एन फॉर नोज होता है ना, तो आपको ये नोज की पिक्चर को क्या करना है, कलरिंग करना है। ओके, नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको एन फॉर नेस्ट क्या करना है, ट्रेस करना है। ओके, तो चलो टीचर आपको यहाँ पे एन फॉर नेस्ट ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते बच्चों, टू लाइन्स में आपको ट्रेसिंग करना है, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, वही स्टैंडिंग लाइन आपको सेकेंड लाइन तक ड्रॉ करना है, फिर कर्व करना और थर्ड लाइन तक आपको फिर से स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको एंड फॉर नेक्स्ट राइटिंग करना है और ये पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है। ओके, ये देखो ये नॉन ट्रेसिंग पार्ट है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, राइटिंग करना है एंड फॉर नेक्स्ट की। तो चलो राइटिंग करेंगे, टीचर आपको अभी राइटिंग करके दिखाएंगे एंड फॉर नेक्स्ट। कैसे राइटिंग करते बच्चों, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, वही स्टैंडिंग लाइन आपको सेकेंड लाइन तक ले जा ड्रॉ करना है, फिर आपको ऊपर कर्व करना है और नीचे थर्ड लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको प्रॉपरली एंड फॉर नेक्स्ट राइटिंग करना है। ओके, पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है और नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, और ऐसे ही आपको पूरा क्लास वर्क कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है और डर्टी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो आपको दिवाली के बाद होमवर्क के लिए आपको न्यू कॉपी बनानी है। इंग्लिश का होमवर्क कौन सी कॉपी में करते हो, फोर लाइन्स की कॉपी में करते हो ना, तो उसके लिए आपको न्यू फोर लाइन की कॉपी बनानी है। उसमें अभी आपको दिवाली के बाद का पूरा होमवर्क उसी में करना है। ओके, न्यू कॉपी बनाओगे अभी आप। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको होमवर्क की सेटिंग करना है, यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप यहाँ पे आपको 6 लाइन्स ड्रॉ करना है, और फर्स्ट हाफ में आपको ए फॉर एप्पल टू जी फॉर ग्रेप्स तक राइटिंग करना है, सेकेंड हाफ में आपको एच फॉर हॉर्स से एन फॉर नेस्ट तक राइटिंग करना है। ओके, देखो कैसे राइटिंग करना है, फर्स्ट हाफ में आपको ए फॉर एप्पल टू जी फॉर ग्रेप्स तक सेटिंग करना है, सेकेंड हाफ में आपको एच फॉर हॉर्स से एन फॉर नेस्ट तक सेटिंग करना है। ऐसे ही प्रॉपरली सेटिंग करना है, जैसे टीचर ने सेटिंग किया ना वैसे ही, और रेड पेन से ही सेटिंग करना है, गलत सेटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, और प्रॉपरली पूरा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, ए फॉर एप्पल टू एन फॉर नेस्ट तक पूरा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, और नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखो बच्चों, आपको फिर से होमवर्क की सेटिंग करना है, यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है, और कैपिटल अल्फाबेट्स ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा आपको राइटिंग करना है। आपको राइटिंग करना आता है ना बच्चों, तो ऐसे ही आपको प्रॉपरली पूरा ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा तक राइटिंग करना है, और टीचर ने जैसे हाईलाइट करके दिया है ना ऐसे ही आपको हाईलाइट करना है, और ऐसे ही आपको प्रॉपरली पूरी सेटिंग करना है, ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा तक यहाँ पे आपको राइटिंग करना है, नीचे लास्ट में आपको टू हाईलाइट्स करना है, वाई फॉर याक और जेड फॉर जेब्रा के लिए। ऐसे ही आपको प्रॉपरली पूरी राइटिंग करना है, पूरा ऐसे ही सेटिंग करना है, हाईलाइट्स करना है, और वहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा राइटिंग करनी है। ओके, तो बच्चों अभी टीचर ने आपको बताया ना कैसे राइटिंग करते हैं एम फॉर मंकी और एन फॉर नेस्ट स्मॉल अल्फाबेट्स, तो वैसे ही आपको प्रॉपरली राइटिंग करना है, आपको क्लास वर्क वर्कबुक में करना है, और होमवर्क कॉपी में आपको होमवर्क करना है। कैसे करोगे बच्चों, क्लास वर्क आपको वर्कबुक में करना है, और फोर लाइन्स की कॉपी में आपको होमवर्क करना है, और नीट एंड क्लीन आपको होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन आपको क्लास वर्क करना है, डर्टी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, और प्रॉपरली नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, अच्छे से राइटिंग करना है आपको, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है, डर्टी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, पूरा होमवर्क और क्लास वर्क पूरा आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, बाय।